नमस्ते और हेलो मेरे फेलो इंडियन क्रिकेट के दीवानों। श्रीलंका ने तो 27 साल की अपनी जो खाली स्ट्रीक चल रही थी उसको नेस्तानाबूद कर दिया। और न कोहली चले, न रोहित चले, न KL राहुल चले, दुबे शुबे पंत शंत रियान पराग। ऑल्दो बोलेंगे कि रियान पराग ने अच्छा अपने ODI डेब्यू का थोड़ा फायदा उठाया बॉलिंग बैटिंग दोनों में, लेकिन गौर फरमाने की बात यह है कि इंडिया की नेशनल क्रिकेट टीम तो अभी कुछ टाइम तक नहीं खेलने वाली है, लेकिन हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, उसमें भी हम कहाँ तीर मार पा रहे हैं। चलो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल वाले मैच तक पहुंच गए, जो कि ओलंपिक्स के लिए काफी अच्छी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाकी भी हमारे स्पोर्ट्स में मेडल वेडल तो आ नहीं रहे हैं। और सुनील छेत्री जी ने बहुत ही बढ़िया चीज बोला कि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन देश के, सॉरी दुनिया के सबसे पॉपुलस देश की मेडल्स ना लाने की वजह ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट को स्पॉट करके उसको अच्छी तरीके से नर्चर करने की बहुत कमी है। तो चलिए, यंगर जनरेशन जो है वो होपफुली इस बात को अपने दिल में लेगी और कोशिश करेंगे हम लोग जो उनको इनेबल कर सकते हैं कि वो अपनी सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं, लेकिन खेल कूद प्रतियोगिता और स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे के हमारे देश को और आगे बढ़ाए, वर्ल्ड लेवल पे लेके आए स्पोर्ट्स में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, क्योंकि क्रिकेट बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ नेशंस खेलते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो। और मैं ये भी बोलूंगा कि जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स जो मैंने बोला हॉकी है, वो हर जगह खेलने लायक भी नहीं है ना। मतलब हॉकी स्टिक तो चलो आप ले भी लोगे, बॉल भी आप जुगाड़ कर लोगे, बॉल तो कुछ भी बन जाती है, हम तो पेपर को ऐसे स्क्रंच करके उसके ऊपर सेलो टेप लगा के भी बॉल बना लेते थे, लेकिन हॉकी स्टिक कहाँ से लाओगे? क्योंकि बैट तो मैंने जो रूलर होते थे, स्केल जो होते थे, वो से लेके हाथ तक से क्रिकेट खेले हुए हैं, और बुक क्रिकेट भी लोग खेल लेते हैं, लेकिन हॉकी कैसे ऐसे खेला जा सकता है? वो तो क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेजर ध्यानचंद वगैरह की इतनी ग्लोरी थी ओलंपिक गोल्ड्स की कि वो नेशनल गेम बन गया, लेकिन अब वो काफी हद तक पीछे छूट चुका है, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट से, फुटबॉल से भी काफी हद तक पीछे छूट चुका है, क्योंकि इंडियन सुपर लीग में काफी अच्छा क्राउड भी पहुंचता है, और फुटबॉल भी गली क्रिकेट की तरह, गली फुटबॉल भी खेलने में कोई आपको ना इक्विपमेंट चाहिए, ना आपको कोई प्रिपरेशन चाहिए। अगर एक दो लोग भी मिल जाएं, भाई मैं तो कभी कभी पैंडेमिक के टाइम पे अकेले भी जाके दीवार से फुटबॉल मार के अपने आप को थोड़ा सा फिट रख लेता था। तो एज यूजुअल इन माई वीडियोज़ मैं किसी दिशा में चले जाता हूँ तो उसी पे थोड़ा सा देर तक रह जाता हूँ, लेकिन घूम फिर के मैं वापस आ जाता हूँ इंडियन क्रिकेट पे। तो इंडियन क्रिकेट में जो ये ODI सीरीज हुई अभी श्रीलंका से, इसमें जैसा कि मैंने बोला 27 साल की चूल मिट गई श्रीलंका की भारत को हराने की बायलैटरल सीरीज में। ऊपर से ये जो फर्स्ट ODI था इसमें सुपर ओवर का तो सीन था नहीं, तो वो टाई हो गया। उसके बाद सेकेंड ODI में ये वैंडर से ने एकदम ही बिजली कड़का दी, अपना एकदम कहर बरपा दिया, और मतलब हैवी हैवी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इंडियन बैट्समैन का शॉट सेलेक्शन दोनों मैचेस में, सेकेंड और थर्ड ODI में, बहुत ही पुअर था, शायद ज्यादा हल्के में ले लिया श्रीलंकन बॉलर्स को। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि हमारे PG साहब ने बोला, ही नोज हु ही इज, एंड आई हैड टोल्ड हिम, जब मैंने ये वाला आने वाला डायलॉग उनका सुना था तो मैंने बोला था कि PG सर, ये आपका डायलॉग हमारे वीडियो में जरूर जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम विदाउट बुमराह इज लाइक अवेंजर्स विदाउट आयरन मैन। क्या सटीक मारा है, मौके पे चौका नहीं, मौके पे छक्का मारा है PG साहब ने, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड इसी बात पे अब थोड़ा सा देखते हैं कि आगे जो आने वाले थोड़े सप्ताह हैं, क्योंकि काफी जल्दी ही बांग्लादेश से एक टेस्ट सीरीज वगैरह भी शुरू हो जाएगी, तो वो भी देखने लायक ही होगी आई गेस, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है तो भाई इंडियन क्रिकेट फैन तो देखेंगे ही देखेंगे और हमारी तरह रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन उसके बीच में अभी जैसे ओलंपिक्स खत्म हो रहा है डिसअपॉइंटिंगली, ऑल द बेस्ट टू नीरज चोपड़ा, लेट्स सी हाउ ही डज। उसके बाद हुई बात डुरैंड कप चल रहा है जो फुटबॉल का एशिया का आई थिंक थर्ड लॉन्गेस्ट रनिंग कंपटीशन है,
जिसमें यूजुअली फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं खेलती हैं, बट इंडियन सुपर लीग में ओडिशा एफसी को मैं सपोर्ट करता हूँ और उनकी रिजर्व्स टीम खेल रही है डूरांड कप में, तो देखते हैं वो कैसा चल रहा है। फिर उसके बाद होगी थोड़ी गैप होगा थोड़ा, क्योंकि ये वाला जो इंडियन स्पोर्ट्स का सीजन है इसमें थोड़ा अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए थी, जैसे कि यूरोज और कोपा अमेरिका, जिसकी प्रेडिक्शन वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सही रही थी, आई थिंक आई गॉट क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम राइट, बट नेवरदलेस लीव दैट असाइड एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश प्रीमियर लीग, बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि ये वीडियो भी मैं चाहूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन स्पोर्ट्स, इंडियन हॉकी तक ही थोड़ा सीमित रहे। तो ओके, इनफैक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर एंड वी विल टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेज मैनचेस्टर सिटी इन द अपकमिंग कम्युनिटी शील्ड फाइनल इन अनदर वीडियो एंड विथ प्रॉबेबली अ चेंज ऑफ वार्डरोब एज वेल और मे बी अ चेंज ऑफ सेटिंग, बिकॉज अभी थोड़ी आफ्टर ऑफिस आवर्स हो चुके हैं एंड देखते हैं कि हमारी बिटिया रानी हमें कितना देर तक वीडियो बनाने देती है। सो थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेज मैनचेस्टर सिटी टू किक ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन, द इंग्लिश फुटबॉल सीजन, द यूरोपियन फुटबॉल सीजन, एंड थैंकफुली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग बिकॉज वी वन द एफए कप, विच इज वाई वी आर प्लेइंग द कम्युनिटी शील्ड अगेंस्ट फोर टाइम प्रीमियर लीग विनर्स मैनचेस्टर सिटी, हु ब्रोक आवर रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द लीग टाइटल 3 years इन अ रो बाय विनिंग इट 4 years इन अ रो। एंड सॉरी फॉर द स्विच फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगा अंग्रेजी ही थोड़ा झाड़ देते हैं, ऐसे तो हम अपना बिहारी बकर भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो उसमें हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं 10 जून की रात, एक सीरियल आया है जियो सिनेमा पे, लेकिन जियो सिनेमा पे सेम थिंग हिंदी इंग्लिश का जक्स्टापोजिशन में, एक तरफ है 10 जून की रात, एक तरफ है हाउस ऑफ द ड्रैगन जिसका सीजन फिनाले अभी कुछ 2-3 दिन पहले अभी निकला था, जो कि हमने एकदम आराम से बैठ के देखा जब घर के लोग सो चुके थे। ऑल दो आई एम ग्लैड कि उन्होंने थोड़ा सा वो ग्रेटुएटस एस्पेक्ट्स कम किया है और ड्रैगन्स और आर्मीज और पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। तो एनीवे ये सब चीज़ें तो आप देखते रहिएगा हमारे चैनल पे, हम हैं अक्षत जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं सो स्मैश दैट सब बटन फॉर ऑसम एक्स फन, अगर आप हमें पहले भी देख चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, नमस्ते। ऑल्सो चेक आउट माई स्पेस एक्सप्लोरेशन वीडियोज बिकॉज दोज आर सम सीरियस इशूज दैट आई टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड बुक्स, मूवी रिव्यूज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। ऑल राइट, एनफ अबाउट इंडियन स्पोर्ट्स एटलीस्ट फॉर दिस वीडियो, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया गेटिंग सम मोर मेडल्स इन द ओलंपिक्स एंड ओडिशा एफ सी गेटिंग अहेड इन द डूरांड कप एज फार एज द इंडियन स्पोर्ट्स सिनेरियो गोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।